यहाँ पे हम बैठे हैं दुकान पे, बिजनेस कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन किस तरह की डिमांड कर रही हैं? ख़वातीन को ज़्यादातर जो है आजकल तो आपको पता है गर्मी का मौसम है, तो समर है, लड़कियों को ये भी होता है समर भी है, उस लिहाज से भी कपड़े ऊपर से फैंसी भी थोड़ा सा हो जाए, फैंसी हो जाए, लोन में कॉटन में उनको फैंसी में चाहिए। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लोन में नहीं है हमारे पास, हमारा पूरा जो है फैंसी का काम है। इस वजह से थोड़ा सा आजकल जो है मौसम की वजह से। अच्छा, ख़वातीन को कितना डिस्काउंट दे देते हैं, खासतौर पे वो ख़वातीन जो काफ़ी सूट खुलवा लें आपसे? कभी हुआ है आपके शॉप पे एक खातून आई है, उसने 10 से 12 13 सूट खुलवाया आपसे, बाद में कहती नहीं मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा? नहीं, अक्सर ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता है, दुकानदार को गुस्सा नहीं आता होगा? नहीं, हमें देखें बात सुने, ये लड़के हैं ना, ये दुकानदारी का जो पहला असूल है, आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है कि कस्टमर को जब आपने कोई चीज़ दिखाई है वो उठ के नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? अगर ऐसा होता है कि बाज़ को आप प्राइस की वजह से कस्टमर उठ जाता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी ड्यूटी है। सूट खुलवाती हैं, खुलवाई जाती है, फिर कहीं नहीं पसंद आए तो कभी दिल में नहीं आता खुलवाए, अभी है नहीं होता है, बाज़ का लड़के करते हैं, लेकिन देखें हमारी ड्यूटी है ये कस्टमर। कभी बुरा लगा? सच बताएं, कभी कभार हो भी जाता है, ये मूड पे डिपेंड करता है। बाज़ कस्टमर देखें पसंद किया, सारा कुछ किया, अभी कस्टमर उसके बाद लड़कों को उल्टी बात जब करके जाएगा, लड़कों ने इतना टाइम लगाया अपना सब कुछ किया, उसके बाद कस्टमर जो है आगे आपको उसका बिहेवियर जो आपके साथ अच्छा नहीं होगा तो गुस्सा आता है, ये नेचुरल बात है। सुनने में जो आता है कि दुकानदारों को पता चल जाता है कि फलां का मूड है खरीदने का, फलां वैसे ही विंडो शॉपिंग करना है, ऐसे आप समझ जाते हैं? ये एक्सपीरियंस है, ऐसा बिल्कुल है, हमें पता चल जाता है कि समझा आपकी शॉप पर आई है तो आपको लगता है कि मैं खरीदना ही विंडो शॉपिंग करना है? नहीं, आप तो इस टाइम मेरा इंटरव्यू लेने आई है ना, आप तो इस टाइम नहीं खरीदेंगी, आप तो इस टाइम इंटरव्यू के लिए आई है।